हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर अभी जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस के लिए क्लास लेने के लिए जा रहे हैं अगर आप बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस या फिर जो है आप एस कंप्यूटर साइंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टेन तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जेनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट तो इसका आंसर जो है हो जाएगा कंट्रोल सिग्नल्स ओके तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर अलेवन से आज के सेशन में स्टार्ट होगा ओके okay? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये यह है विच ऑफ द फ्लॉबिंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूजड इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फ्लॉबिंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज इन सी प्लस प्लस यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा हेडर फाइल का एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस में ठीक है यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन है ठीक है ऑप्शन है एच जी ऑप्शन बी है सी पी पी ऑप्शन सी है एच ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एभव तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एच ठीक है ऑप्शन सी एच ठीक है यानी कि हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस टाइपिकली ए डॉट एच एक्सटेंशन C++ के जो हेडर फाइल होता है उसका एक्सटेंशन जो है टाइपिकली डॉट एच एक्सटेंशन ही होता है एंड दे कॉन्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन क्लासेस वेरिएबल्स एंड अदर इंटिटीज डेट कैन बी यूज अक्रॉस मल्टीपल सोर्स फाइल और ये जो है बहुत सारे डिक्लेरेशन को कॉन्टेंट करता है ठीक है जैसे कि फंक्शंस का हो गया क्लासेस का हो गया वेरिएबल्स का हो गया और अदर इंटिटी का हो गया ठीक है डैट कैन बी यूज एक मल्टीपल सोर्स फाइल जो कि मल्टीपल सोर्स फाइल में जो है इस्तेमाल होता है और एक हमारा ऑप्शन जो था सी पी पी तो डॉट सी पी पी के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे वही है वाइल्ड डॉट सी पी पी फाइल्स आर कॉमनली यूज फॉर इम्प्लीमेंटेशन फाइल्स इन सी प्लस प्लस ठीक है डॉट सी फाइल जो है उसका इस्तेमाल जो है जनरली इम्प्लीमेंटेशन फाइल्स फाइल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया जाता है सी प्लस प्लस में ठीक है डॉक्ट डॉट सी फाइल्स जो है इसका यूज़ जो है फाइल्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया जाता है सी प्लस प्लस में दे आर नोट स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड एज हेडर फाइल्स ये जो डॉट सी है इसे जो है हेडर फाइल्स डेजिग्नेट नहीं किया जाता है ठीक है और हमारा ऑप्शन ए जो था एच करके जो था हमारा ऑप्शन ए एच इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे एच जी इज नोट ए कॉमनली यूज एक्सटेंशन फॉर हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस तो एच जी तो जो है ये कॉमनली यूज एक्सटेंशन हेडर फाइल नहीं है सी प्लस प्लस का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये कह रहा है द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक इंप्लायड बाय ए सी पी यू इज ठीक है द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक इंप्लाइड बाय ए सी पी यू इज यानी कि सी के द्वारा जो है कौन सा एड्रेसिंग टेक्निक जो है मोस्ट कॉमन है ठीक है यानी कि सी के द्वारा जो है कौन सा एड्रेसिंग टेक्निक का मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ऑप्शन ए है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ऑप्शन बी है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ऑप्शन सी है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एवहब ऑप्शन ई नन ऑफ द एवहब तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यानी कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक है जो कि सीपीयू के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग मोड का टेक्निक है जो कि सीपीयू के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है इसका डिस्कशन देखिए द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक इम्प्लॉयड बाय ए सी इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ठीक है तो सी के द्वारा जो है मोस्ट कॉमनली एड्रेसिंग टेक्निक जो यूज होता है उस एड्रेसिंग टेक्निक का नाम है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इन डायरेक्ट एड्रेसिंग द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली वेयर द डेटा और ऑपरेंड इज स्टोर और रिट्राइब्ड। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता क्या है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है इसमें जो है इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज़ द मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली ठीक है इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली स्पेसिफाइज कर लेता है जहाँ पर डेटा और ऑपरेंड इज स्टोर्ड और रिट्राइव्ड जहाँ पे डेटा और ऑपरेंड जो है स्टोर्ड है या फिर रिट्राइब्ड है तो डायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को उस मेमोरी लोकेशन पर डायरेक्टली स्पेसीफाइज कर लेता है जहाँ पे डेटा और ऑपरेंड स्टोर्ड है या फिर रिट्राइव्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये कह रहा है वाट विल हैपन इफ द फ्लोबिंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड वाट विल हैपन इफ द फ्लोबिंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या हैपेंस होगा जब फ्लोविंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट को कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा तो हमारा सी प्लस प्लस का स्टेटमेंट जो यहाँ पे यह दिया गया है इंट पॉइंटर इज इक्वल टू नल डिलीट पॉइंटर ठीक है इंट पॉइंटर इज इक्वल टू नल और फिर है डिलीट पॉइंटर तो पूछ रहा है कि इस सी प्लस प्लस स्टेटमेंट को हम लोग कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा पहला है ऑप्शन द प्रोग्राम इज नोट सीमेंटिकली कॉरेक्ट प्रोग्राम जो है सीमेंटिकली क्रेक्ट नहीं है दूसरा है द प्रोग्राम इज कम्पाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली प्रोग्राम जो है कंपाइल्ड भी होगा और एग्जीक्यूट भी सक्सेसफुली हो जाएगा ऑप्शन सी है द प्रोग्राम गिव्स ए कंपाइल टाइम ईर ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रोग्राम जो है कंपाइल टाइम इरर देगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द ए ऑप्शन ई नन ऑफ द ए तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हम लोग इस गिवन सी प्लस प्लस स्टेटमेंट को जब हम लोग कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल्ड भी हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा ठीक है इस गिवेन् प्लस प्लस स्टेटमेंट को जब हम लोग कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम जो है कंपाइल्ड भी हो जाएगा और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये कह रहा है इन वेरियस डिवाइजेज विच आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड इन वेरियस डिवाइजेज यानी कि बहुत सारे डिवाइजेज में जो है किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है टू ओवरकम द डिफरेंट इन डाटा ट्रांसफ़र स्पीड डाटा ट्रांसफ़र का जो स्पीड में डिफरेंस है उसको ओवरकम करने के लिए कौन से डिवाइज का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है डाटा ट्रांसफर स्पीड को ओवरकम डाटा ट्रांसफ़र स्पीड डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए जो है कौन से डिवाइसेस का यूज किया जाता है ठीक है किस चीज़ का यूज किया जाता है वेरियस डिवाइसेस में ऑप्शन ए है मल्टीपल बसेस का ऑप्शन बी है बफर रजिस्टर्स का ऑप्शन सी है स्पीड इन्हांसिंग सर्किटरीज का ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एब ऑप्शन ई e है नन ऑफ द एभव तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा बफर रजिस्टर इसका आंसर जो है हो जाएगा बफर रजिस्टर यानी कि इन वेरियस डिवाइजेज बफर रजिस्टर्स आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड्स ओके इट मीन्स इन वेरियस डिवाइजेज वी यूज बफर रजिस्टर्स टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफ़र स्पीड ओके याद रखना है कि हम लोग बफर रजिस्टर का यूज़ करते हैं टू ओवरकम द डिफरेंस इन डाटा ट्रांसफ़र स्पीड डाटा ट्रांसफ़र स्पीड के डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए हम लोग बफर रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं याद रखना है इसे अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं बफर रजिस्टर्स आर यूज्ड इन वेरियस डिवाइसेस टू ओवरकम डिफरेंस इन डाटा ट्रांसफ़र स्पीड तो ही बात है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बफर रजिस्टर्स का यूज़ जो है हम लोग वेरियस डिवाइज़ में करते हैं टू ओवरकम डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफ़र स्पीड डेटा ट्रांसफ़र स्पीड में जो डिफरेंसेस होता है उसको ओवरकम करने के लिए जो है हम लोग बफर रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं दे एक्ट एज टेम्पोरोरी इस्टोरेज एरियाज डेट टू होल्ड डाटा टेम्प्रोरली वाइल इट इज़ बीग ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवाइजेज और कम्पोनेंट्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्पीड्स ओके यानी कि दे एक्ट एज ए टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया बफर रजिस्टर जो है टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया के तरह एक्ट करता है बफर रजिस्टर्स जो है फ्रेंड्स वो टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया के तरह एक्ट करता है ठीक है डेट होल्ड डाटा टेम्पोरली जो कि डेटा को टेम्पोरली स्टोर करता है वाइल इट इज बींग ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवाइजेज और कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्पीड्स जब हम जो है वाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवाइजेज जब इस, इसको जो है हम लोग डिवाइज के बीच में ट्रांसफर करते हैं और कंपोनेंट्स के बीच जब ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट स्पीड में तो ये जो है टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया को होल्ड करता है नेक्स्ट है वाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस वाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस ठीक है क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस यानी कि प्रोसेसर बस के कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन ए है पीसीआई बस ऑप्शन बी है मल्टीपल बस ऑप्शन सी है एचसीएसआई बस ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द ए ऑप्शन ई है नन ऑफ द ए तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पीसी PC बस पीसीआई बस इसका आंसर हो जाएगा पी सी आई बस यानी कि बी यूज पी सी आई बस टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस ठीक है प्रोसेसर बस के कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने के लिए जो है हम लोग पी सी आई बस का इस्तेमाल करते हैं ओके okay, फ्रेंड्स प्रोसेसर बस के कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने के लिए जो है हम लोग पी सी आई बस का इस्तेमाल करते हैं इसका डिस्कशन देखिए PCI बस का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए पी बस का फुल फॉर्म जो है होता है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट पी बस का फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट ठीक है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट ओके एंड दिस बस इज कॉमनली यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस इन कंप्यूटर सिस्टम और पी बस का जो है मेन काम यही है कि प्रोसेसर बस का जो है कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना कंप्यूटर बस में जो है प्रोसेसर बस के कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना पी बस का कॉमनली काम है ठीक है पी बस यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट जो है इसका मुख्य काम यही है कि कंप्यूटर सिस्टम्स में प्रोसेसर बस के कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना कंप्यूटर सिस्टम में ठीक है कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर बस को कनेक्टिविटी के प्रोसेसर बस के कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना ही पीसीआई बस का मुख्य काम है ठीक है इट अलाउज़ फॉर द कनेक्शन ऑफ वेरियस पेरिफेरल डिवाइज सच एज एक्सपेंशन कार्ड टू द मदरबोर्ड एंड द सीपीयू ठीक है और ये जो है अलाउज करता है वेरियस पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्शन देने के लिए ठीक है ये अलाउज करता है वेरियस पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्शन देने का भी काम करता है सच है जैसे कि एक्सपेंशन कार्ड हो गया एक्सपेंशन कार्ड को मदरबोर्ड से और सीपीयू से ठीक है इस सभी को जो है वेरियस पेरीफेरल डिवाइज़ को जो है कनेक्शन देने का भी ये अलाउ करता है कनेक्शन देने का भी परमिशन करता है ठीक है तो एक बार ओवरऑल देख लीजिए कि पी बस का फुल फॉर्म वही हो गया पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट ये जो है प्रोसेसर बस के कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने का काम करता है ठीक है और ये जो है वेरियस पेरीफेरल डिवाइज को कनेक्शन देने का परमिशन करता है जैसे कि एक्सपेंशन कार्ड हो गया एक्सपेंशन कार्ड को मदरबोर्ड से हो गया या फिर सी से ठीक है तो फ्रेंड्स हमारा आज का ये सेशन इतना ही था जिसमें कि हम लोगों ने पाँच छः क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि बिहार एस कंप्यूटर साइंस और साथ में बी पी कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ओके और सभी लोग वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ओके फ्रेंड्स थैंक यू एवरी